हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ये टेबल टॉप का डिजाइन लेके आई हूँ। इसे थालपोश की तरह या टेबल टॉप की तरह, टेबल मैट की तरह यूज किया जा सकता है। बहुत खूबसूरत डिजाइन है और बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाता है। मैंने इसे दो कलर में बनाया है। एक मैंने इसमें पिंक कलर लगाया है, व्हाइट, एंड देन आफ्टर फिर मैंने इसमें पिंक कलर लगाया है। आप चाहें तो इसे एक सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। सिंगल कलर में भी डिजाइन बहुत प्यारी लगती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी डिजाइन को बनाना बताऊंगी, पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उस पर भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये डिजाइन बनाना। डिजाइन को बनाने के लिए मैंने ये वर्धमान की बटरफ्लाई ऊन का यूज किया है। ये वर्धमान की ऊन है, पतली ऊन है ये, और इसके लिए मैंने 10 नंबर क्रोशिया को यूज किया है। आप चाहें तो इसे धागे में भी बना सकते हैं, धागे में भी डिजाइन बहुत अच्छी बन के रेडी होती है ये, पर आज मैं यहाँ वूल से इसे बनाना आपको बताऊंगी। डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें 5 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। पहली वाली चैन में एक स्लिप स्टिच, जो हमारी फर्स्ट चेन है, इसमें इस तरह से क्रोशिया को डालते हुए एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब ये जो हमारा बीच का होल तैयार हुआ है, इसमें हमें 14 डबल क्रोशिया बनानी है। तो सबसे पहले हम इसमें 2 चेन बना लिए। 2 चेन ये हमारी एक पहली डबल क्रोशिया का काम करेगी। इसके बाद इन 2 चेन्स को लेके जो हमने पहली डबल क्रोशिया बनाई है, इसके बाद अब हमें 13 इसमें और डबल क्रोशिया बनानी है। एक 14 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस पहली वाली यहां इस चेन पे हमें एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। अगेन 2 चैन बनाएंगे और जो 14 डबल क्रोशिया हमने बनाई है, इन सबके ऊपर हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है। मींस अब इस राउंड में हमें 28 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिएगा, ये हमने बना ली। इसी में एक बार अगेन नेक्स्ट वाली में 2, एक स्पेस से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है और टोटल इसमें 28 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। ये अब टोटल हमारे पास 28 डबल क्रोशिया हैं। अगेन इस पहली चेन पे, फर्स्ट नंबर चेन पे एक स्लिप स्टिच, थर्ड राउंड में 2 चेन, और फिर से हमने ये जो चेन्स बनाई, जो डबल क्रोशिया बनाई है, जो 28 डबल क्रोशिया हमने इस वाले राउंड में बनाई है, इन सारी चेन्स में हमें 2-2 डबल क्रोशिया फिर से बनानी है। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और टोटल इस राउंड में हमें 56 डबल क्रोशिया करनी है। ये देखिएगा, ये चेन, इस चेन से मैंने क्रोशिया को डाला एक डबल क्रोशिया, और अब इसी सेम स्पेस से फिर से क्रोशिया को डालते हुए 2, एक स्पेस से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। जितनी भी चेन्स इसमें ऊपर दिख रही हैं, इन सब में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बना के इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट में हमारे पास इसमें 56 डबल क्रोशिया होनी चाहिए। ये देखिए, ये अब टोटल हमारे पास 56 डबल क्रोशिया है। इसमें ये टोटल 56 पूरी डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसको अगेन हमें स्लिप स्टिच लगा के, यहां से जो हमारी फर्स्ट चेन है, यहां से हम स्लिप स्टिच लगा के इसे जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद अब हमें जहां हमने इसे जोड़ा है, यहां से हमें 15 चेन बनानी है। 2, 3, 4,
ये हमने 15 चेन्स बनाई, यहां से हमने इसे 15 चेन्स बनाना स्टार्ट किया है, तो इसे ले लेंगे 1, उसके बाद की डबल क्रोशिया 2, नेक्स्ट 3, और ये फोर्थ नंबर वाली डबल क्रोशिया में हमें इसे जोड़ना है। एक स्लिप स्टिच लगा के इस तरह से जोड़ देंगे, इस तरह से हमने जोड़ दिया। इसके बाद की दो चेन्स, जो ये जो दो डबल क्रोशिया है, इनमें हमें स्लिप स्टिच बनानी है। 1, ये एक में बना ली, टू, 1, 2, और अब हमें ये थर्ड नंबर, इसमें भी एक स्लिप स्टिच बना के अगेन फिर से हमें 15 चेन्स बनानी है। 1, 2, अब इन 15 चेन्स को फिर से जहां से हमने स्टार्ट किया है उसके बाद की दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, और जो ये वाली है, मींस जहां से हमने स्टार्ट किया वो पहली हो गई, दूसरी, तीसरी और ये फोर्थ नंबर वाली में अब इसे हमें एक स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमें इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखिएगा, ये इस तरह से बन के रेडी होगा। यहां से मैंने इसे स्टार्ट किया था और यहाँ पे ये लास्ट वाला मैंने इसे स्लिप स्टिच से जोड़ा है, 15 चेन्स जो, और बीच में हमारी ये दो डबल क्रोशिया बाकी रह गई हैं। अगर आपने ये 56 ही टोटल बनाया है तो आपका भी यहाँ पे सिर्फ दो ही इस डबल क्रोशिया बची रह जाएंगी। इस तरह से पूरा बनाने के बाद अब फ्रेंड्स हमें अगेन इस वाले पॉइंट पे आना है, तो उसके लिए हम इन दोनों जो चेन्स हमारी बची हैं स्लिप स्टिच से, हम इस वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे। अब ये जो हमने 15 चेन्स बनाई हैं, इनमें हमें टोटल 22 डबल क्रोशिया बनानी है। 1, इस तरह से इसी के अंदर से निकालते हुए ये जो हमने चेन्स बनाई हैं, इसी चेन्स से निकालते हुए हमें टोटल 22 डबल क्रोशिया इसमें बनानी है। ये देखिएगा, इस तरह से 22 डबल क्रोशिया इसमें हम बना लेंगे, और बनाने के बाद ये जो बीच में स्पेस है दो डबल क्रोशिया के बीच से, क्रोशिया को निकालते हुए यहां पे हमें एक स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देना है। अगेन इसमें हमें फिर से 22 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिएगा, अगेन मैंने इसमें 22 डबल क्रोशिया बना के अब फिर से ये जो बीच की दो डबल क्रोशिया बनी हुई है, इन दोनों के बीच से हमें क्रोशिया को निकालते हुए एक स्लिप स्टिच लगा के इसे इस तरह जोड़ देना है। ये देखिएगा, इससे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इन सब में हमें इसी तरह 22-22 डबल क्रोशिया बनाते हुए बीच वाली स्पेस पे इसे जोड़ते चलना है और इस पूरे राउंड को हमें कंप्लीट करना है। इस तरह से ये अब हमारा लास्ट है, ये लास्ट में भी हम इसे यहां से स्लिप नॉट लगा के जोड़ देंगे, और अब इस धागे को हमें यहां से काट देना है। ये देखिएगा, इस तरह से अब ये हमारा सेंटर का पार्ट बनके रेडी है। यहां पे हमने धागे को काट दिया है और अब हम इसमें दूसरा धागा ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्ट बनके रेडी हो गया है हमारा। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने दूसरा धागा ऐड किया है। दूसरा धागा आपको भी ऊपर टिप पॉइंट में, जिसका टिप पॉइंट है यहाँ पे, एक दूसरा धागा ऐड कर लें। किसी भी कलर का आप ऐड कर सकते हैं, जिस कलर से आप इसे बनाना चाह रहे हैं। अगर आप एक सिंगल कलर से ही इसे बनाना चाह रहे हैं तो भी आपको यहां से धागे को काट कर यहां पे इसे दोबारा ऐड करना होगा। तो अब मैं यहां पे अगेन यहां से क्रोशिया को डालूंगी,
और इसमें 11 चेन्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 11 चेन्स मैंने बना ली। और इन 11 चेन्स को अब हमें इस जगह पे यहां का जो इसका मिडल पॉइंट है मिड पॉइंट पे हमें इसे चेन्स को ऐड कर देना है। इस तरह मिड पॉइंट पे हमने इसे एक स्लिप स्टिच से ऐसे ऐड कर दिया। अगेन 11 चेन, और फिर अब नेक्स्ट वाले में इसके मिड पॉइंट पे हमें इस तरह से एक स्लिप स्टिच लगाते हुए इसे ऐड कर देना है। इस तरह 11-11 चेन्स बना के हमें यहां का जो इसका मिड पॉइंट है इसे ऐड करते हुए इस पूरे राउंड को हमें ओवर करना है। ये देखिएगा, ये राउंड इस तरह बन के रेडी होगा। इसको बनाने के बाद अब फ्रेंड्स इसमें हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये दो चेन्स बना ली, दो चेन्स बनाने के बाद अब इसमें हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से इसमें 15 डबल क्रोशिया बना ली। अब अगेन इस वाली जो चेन, ये जो चेन्स बनी है इसमें भी हमें 15 डबल क्रोशिया बनानी है। इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से देखिएगा इसमें 15 डबल क्रोशिया बनाई, इसमें 15 डबल क्रोशिया। इस तरह सारी चेन्स में हमें 15-15 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमें ओवर करना है। और अब लास्ट में इसे हमें यहां पे एक स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। देखिए ये वाली जो चेन है हमारी, इस चेन पे हमें इस तरह क्रोशिया को डालते हुए एक स्लिप स्टिच लगा देंगे और इसे आपस में जोड़ देंगे। ये देखिएगा ये राउंड हमारा इस तरह से बन के रेडी होगा। ये जो टोटल डबल क्रोशिया हमने इसमें बनाई है ये 150 डबल क्रोशिया है। सारे चेन्स में 15-15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये टोटल 150 डबल क्रोशिया बन के रेडी हुई है। उसके बाद जहां से हमने इसको ज्वाइंट लगाया था वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे दो चेन, और इस स्पेस से जहां से दो चेन बनाई है उसी सेम स्पेस से दो डबल क्रोशिया और बनानी है। अब ये इन चेन्स और दो डबल क्रोशिया को मिलाकर टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गई। एक चेन का स्पेस देंगे और फिर सेम स्पेस से ही 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद की 6 डबल क्रोशिया को स्किप करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये देखिएगा 6 डबल क्रोशिया जो बनी है इनको स्किप करेंगे और सातवीं और छठी 6 और 7 डबल क्रोशिया के बीच वाले स्पेस से क्रोशिया को डालते हुए अगेन 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम स्पेस से ही बीच में एक चेन का स्पेस देंगे और फिर से सेम स्पेस से ही हमें 3 और डबल क्रोशिया बनानी है। जहां से हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है उसी सेम स्पेस से क्रोशिया को डालते हुए 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा अगेन 6 चेन्स को स्किप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और 6 और 7 के बीच से ही क्रोशिया को डालते हुए फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर 6 चेन के बाद 6 डबल क्रोशिया को स्किप करते हुए हमें सेम यही डिजाइन बनाते हुए पूरे राउंड को ओवर करना है। इस तरह अब हम अपने वर्क के एंड में हैं और देखिएगा लास्ट में अब हमारे पास सिर्फ 6
डबल क्रोशिया ही बची है, 1 2 3 4 5 6। अगर आपने इसमें परफेक्ट 150 डबल क्रोशिया बनाई है तो ये आपका 6 डबल क्रोशिया स्किप करने के बाद लास्ट में यहाँ 6 डबल क्रोशिया ही आपकी बनेंगी, बच जाएंगी। और अब इसे हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। जो हमने चेन बनाई थी, यहाँ पे हमने दो चेन बनाई थी, तो दूसरी वाली चेन पे यहाँ पे क्रोशिया को डालते हुए एक स्लिप नॉट यहाँ पे लगा देनी है। अगेन तीन के बीच में हमने यहाँ पे एक चेन का स्पेस दिया था, तो फिर से हम दो डबल क्रोशिया बना के यहाँ पे इसी के बीच से, जो हमने एक चेन का स्पेस दिया था उसी के बीच से हमें फिर से दो डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से एक चेन का स्पेस देंगे और अगेन तीन डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से बीच में दो चेन और फिर से नेक्स्ट वाले पे जो 6 डबल क्रोशिया बनी है इसके बीच से जहां हमने एक चेन का स्पेस दिया है वहां से अगेन हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीन डबल क्रोशिया के बाद एक चेन का स्पेस देंगे। इस तरह से कंटिन्यू करते हुए फ्रेंड्स हमें अपना ये राउंड भी पूरा ओवर करना है। इस तरह से देखिएगा, अब हर दूसरे डिजाइन के बाद यहां हमें दो चेन का स्पेस बीच में इस जगह पे भी देना है और इस तरह पूरा राउंड हमें यहां से यहां तक ओवर करना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह मैं अगेन अपने वर्क के एंड में हूं और अब ये देखिएगा, ये हमारा लास्ट है। अब इसे हमें इस जगह पे स्लिप नॉट से जोड़ देना है। तो ये जहां हमने एक चेन का स्पेस दिया है बीच में, यहां से क्रोशिया को डालेंगे और इसे एक स्लिप स्टिच से इसी जगह से जोड़ देंगे। अगेन दो चेन बनाएंगे और सेम स्पेस से ही, बीच वाली स्पेस से फिर से दो और डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में एक चेन का स्पेस देंगे और फिर से तीन डबल क्रोशिया। यहां हमने इस वाले अपने इससे नीचे वाली रो में, यहां पे इस वाले राउंड में हमने दो चेन बीच में स्पेस दी थी दो डिजाइन के बीच में, इस राउंड में अब हमें तीन चेन का स्पेस देना है, 2 3। इस तरह जैसे जैसे हम राउंड ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें एक एक चेन का स्पेस बढ़ाते जाना है। पहले जहां हमने दो चेन का स्पेस दिया था इस राउंड में तीन चेन का स्पेस देंगे, नेक्स्ट राउंड में 4 चेन का स्पेस देंगे, उसके नेक्स्ट राउंड में 5 चेन का। जितना बड़ा आप इसको बनाना चाहते हैं उतना बड़ा बना सकते हैं, पर एक बात का इसमें सिर्फ ध्यान देना है कि बीच के चेन स्पेस को हमें बढ़ाते जाना है। राउंड जैसे जैसे बढ़ेंगे बीच की चेन का स्पेस भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। ये देखिएगा, यहां पे मैंने दो चेन का स्पेस दिया था और यहां पे तीन चेन का स्पेस दिया है। इस तरह कंटिन्यू करते हुए इस पूरे राउंड को भी हमें ओवर करना है। और इसी के साथ आप जितना बड़ा इसे बनाना चाहें उतना बड़ा इसे बना सकते हैं, बस आपको यहाँ पे एक एक चेन का स्पेस हर राउंड में बढ़ाते चलना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिएगा, मैंने इसको इतना बड़ा बना के रेडी कर लिया है। इसमें मैंने टोटल 9 राउंड्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने टोटल 9 राउंड बनाने के बाद अब इसे हम यहां से जहां हमने इसे स्लिप नॉट से जोड़ा है धागे को हम काट देंगे और अब यहाँ पे हमें दूसरा धागा ऐड करना है। दूसरा धागा ये जहां हमने तीन डबल क्रोशिया बनाई थी इसके बीच में हमें लगाना है दूसरे नंबर के डबल क्रोशिया के ऊपर। ये देखिएगा, ये तीन डबल क्रोशिया हमने बनाई थी इसी के ऊपर यहाँ पे हमें दूसरा धागा लगाना है। अब इसी स्पेस से पहले हमें तीन चेन बनानी है, तीन चेन के बाद सेम स्पेस से ही हमें तीन और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2
और तीन, ये हमारी टोटल अब चार डबल क्रोशिया हो गई। तीन ये जो चेन बनाई थी हमने और तीन डबल क्रोशिया हमने एक्स्ट्रा बनाई। फिर से एक चेन और इसी सेम स्पेस से अगेन हमें चार डबल क्रोशिया बनानी है। अभी जो बीच का स्पेस है जहां हमने एक चेन का स्पेस दिया था इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये जहां हमने तीन डबल क्रोशिया इसके बाद बनाई थी इसके बीच सेकंड नंबर वाली डबल क्रोशिया वाली चेन जो है, ये देखिएगा ये जो चेन है हमारी, इस चेन से क्रोशिया को डालते हुए अगेन हमें चार डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से सेम स्पेस से चार डबल क्रोशिया बनानी है। अब ये नेक्स्ट डिजाइन है, इस नेक्स्ट डिजाइन में फिर से जो तीन डबल क्रोशिया बनी हुई है इसके बीच में जो सेकंड नंबर डबल क्रोशिया है इसकी चेन से क्रोशिया को डालते हुए इस तरह हमें फिर से इसी स्पेस से चार डबल क्रोशिया बनानी है। एक चेन का स्पेस देंगे और अगेन चार और डबल क्रोशिया, चार अगेन इसी स्पेस से ही हमें बनाना है चार डबल क्रोशिया। अगेन ये वाली जो है तीन डबल क्रोशिया, ये देखिएगा इस डिजाइन में तीन इधर बनाई थी, तीन इधर बनाई थी, तो ये सेकंड नंबर वाली इधर बना ली। अब इन तीनों में जो सेकंड नंबर वाली चेन है बीच वाली, इस चेन से हमें क्रोशिया को डालते हुए फिर से चार डबल क्रोशिया बनानी है। एक चेन स्पेस देंगे और फिर से इसी स्पेस से चार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से कंटिन्यू रखते हुए हमें अपने इस पूरे राउंड को ओवर करना है। ये अब हमारे वर्क का एंड है और यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने एक चेन का स्पेस दिया है इस जगह पे हमें एक स्लिप स्टिच लगा के इसे आपस में जोड़ देना है। अगेन अब नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से तीन चेन बनाएंगे और इसी स्पेस से जहां से हमने इसको जोड़ा है उसी स्पेस से, ये बीच वाला जो स्पेस है चार चार डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस दिया है हमने, इसी स्पेस से क्रोशिया को डालते हुए चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने तीन बना ली प्लस ये हमारा जो तीन चेन बनी थी ये भी एक डबल क्रोशिया, चार ये हो गई। अगेन इसी स्पेस से एक चेन का स्पेस देंगे बीच में और फिर से इसी स्पेस से चार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें दो चेन बनानी है बीच में, इन दो डिजाइनों के बीच में ये हमने एक डिजाइन बना ली, बीच में दो चेन, अब इस स्पेस से हमें चार बार फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। अब यहां से हम बनाएंगे फोर टाइम्स डबल क्रोशिया, ये जो सेकंड डिजाइन हमने बनाई है यहां से फोर टाइम्स डबल क्रोशिया बनाई। यहां पे बना ली हमने, बीच में एक चेन का स्पेस दिया और अगेन बीच में उसी स्पेस से फिर से हमें चार और डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिएगा इस तरह से पहले डिजाइन में हमने वैसे ही आठ डबल क्रोशिया बनाई और बीच में एक चेन का स्पेस दिया, फिर यहां पे हमने दो चेन का स्पेस दिया है, अगेन फिर से वही डिजाइन। अब फिर से ये जो दूसरा वाला पोर्शन है हमारा, ये जो दूसरा पार्ट है, दूसरी जो डिजाइन है हमारी, इसमें भी हमें वैसे ही इससे स्पेस है जो बीच का स्पेस है यहां से हमें चार डबल क्रोशिया बनानी है। बीच में एक चेन का स्पेस देंगे और अगेन चार और डबल क्रोशिया उसी स्पेस से बनाएंगे, उसी सेम स्पेस से बनानी है डबल क्रोशिया फिर से। ये देखिएगा अगेन अब यहां पे हमें दो चेन का स्पेस देना है, इन दो डिजाइनों में जब हम अलग अलग डिजाइन बनाएंगे तो उसमें हमें बीच में दो चेन का स्पेस देना है। दो चेन का स्पेस देके फिर से हम इस वाले पॉइंट पे जहां पे ये वाला स्पेस बना हुआ है इस जगह से अगेन
फोर डबल क्रोशिया, बीच में एक चैन का स्पेस और फिर से फोर डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हुए हमें इस पूरे राउंड को भी ओवर करना है। इस तरह फ्रेंड्स ये अगेन ही हमारे वर्क का एंड है और अब यहाँ पे लास्ट में ये जो हमने यहाँ पे तीन चेन्स बनाई थी इसमें थर्ड नंबर वाली चेन में हमें यहाँ एक स्लिप स्टिच लगा देनी है और यहाँ पे धागा काट के अभी डिजाइन को यहीं पे रोक देना है। इसे पीछे एक्स्ट्रा जो धागा है हमारा पीछे इस तरह से हम इसे बांध देंगे ताकि डिजाइन ये खुले ना। सो फ्रेंड्स ये देखिएगा इस तरह हमारी डिजाइन बन के रेडी है, ये पूरा थालपोश बन के रेडी हो चुका है। अब अगर आपको फ्रेंड्स मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको डिजाइन कैसा लगा। मिलते हैं कुछ नए आइडियाज के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।